हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एस हेल्प डेस्क और आज हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी पार्ट टू देखने जा रहे हैं अगर आपने पार्ट वन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं उसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं उसमें से कुछ टॉपिक ये हैं टाइप्स ऑफ इकॉनमी मिक्स इकॉनमी ओपन इकॉनमी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए गए हैं सो तो उसे ज़रूर देखें आप is help desk announces the launch of gist of ncert books from class 6 to 12 for all the subjects as you can see it is a book on indian economy and socio-economic development each book will cover the trend analysis of the subjects and then important topics from which previous year questions have been asked it will cover all the chapters of the NCRT books and it will be in a point format so that you can revise it before the examination in an easy format and it will cover the previous year questions from

ये इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखाते हैं क्या क्या एस्पेक्ट को दिखाते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स लाइक हाउस होल्डस फर्म और इंडिविजुअल एंड हाउ दे मेक डिसीजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इट मीनस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो इंडिविजुअल और फर्म के लेवल पर देखते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से एक फैमिली अपने इनकम को खर्च करती है स्पेंड करती है किस तरीके से एक बिजनेस एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है कि उसका प्राइस कितना हो सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इकोनॉमी को देखती है इंडिविजुअल और फार्म लेवल पे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल सी डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम नाउ लेट सी वट इज डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और पीपल द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इसका मतलब यह हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई एक रिलेशनशिप को दिखाता है रिलेशनशिप को दिखाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का कि कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहता है उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है यह डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट अब हम देखेंगे डिमांड क्या है डिमांड को समझने के लिए हम स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लेंगे जैसे जैसे लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ रहा है इंटरनेट की एक्सेस इंक्रीज हो रही है डिमांड स्मार्टफोन का इंक्रीज हो रहा है और ये क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि लोगों का इनकम इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे साथ में लोगों के लाइफ भी चेंज हो रहे हैं पहले लैंड लाइन से काम चलता था लेकिन आज स्मार्टफोन हर एक इंसान के पास होना चाहिए साथ में जो कम्युनिकेशन की जो नीड है वो भी फास्ट हो चुकी है पहले चिट्ठी से काम चलता था जो कि हफ्ते हफ्ते वेट किया जाता था कि चिट्ठी आएगा ढाकिया से कलकत्ता से अगर पटना से किसी ने भेजा है तो चार दिन पाँच दिन हफ्ता रोज भी लग जाता था लेकिन आज के डेट में विद इन सेकेंड आपको अपने मैसेज को पहुँचाने होते हैं एक जगह से दूसरा जगह सो ये फैक्टर्स दिखाते हैं कि डिमांड बढ़े हैं और उसके वजह से स्मार्टफोन का भी डिमांड इंक्रीज हुआ है कल के डेट में अगर स्मार्टफोन का प्राइस गिर जाता है जितना आज के डेट में है उससे ज़्यादा और नीचे हो जाता है तो तो डिमांड इसकी और बढ़ेगी क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा ज़्यादा लोग खरीदें खरीदेंगे स्मार्टफोन को और जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इसकी प्राइस क्या होगा वो और डाउन होगा क्योंकि स्मार्टफोन के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड और बढ़ेगा लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे सो तो ये दिखाता है कि डिमांड क्या है हमने डिमांड देखा अब सप्लाई देखते हैं सप्लाई क्या होता है सप्लाई को समझने के लिए हम चावल का एग्जाम्पल लेंगे राइस का कि फार्मर्स जो है चावल को कल्टीवेट करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और वो मार्केट में सप्लाई करते हैं वो सप्लाई क्यों कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जैसे कि वेदर कंडीशन डिसाइड करेगा कि कितना चावल प्रोड्यूस होगा होगा खेत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिसाइड करेगा कि खेत में हमने किस तरीके से हल का यूज़ किया है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो भी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है साथ में गवर्नमेंट के पॉलिसीज कितने फेवरेबल हैं चावल की खेती के लिए तो ये इन सब चीज़ों से सप्लाई जो चावल की सप्लाई है मार्केट में वो डिटरमाइन होता है कि किस तरीके से सप्लाई हो रहा है कम या ज़्यादा होगा ये फैक्टर्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चावल की सप्लाई कम होगी अगर सपोर्ट करेंगे तो चावल की सप्लाई ज़्यादा होगी साथ में अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इंक्रीज़ कर दिए सब्सिडी इंक्रीज़ होगा तो जो फार्मर्स हैं उनका लागत कम लगेगा खेती करने में लागत कम लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और राइस को वो सप्लाई कर पाएंगे सो बैक एंड पे जो अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होता है तो इस तरीके से सप्लाई इंक्रीज होता है ये सप्लाई का कंसेप्ट है एक इक्विलिब्रियम समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होते हैं इक्विलिब्रियम में सो so, इसे हम बहुत आसान बनाएंगे ताकि जो लोग नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उन्हें भी समझ में आ जाए स्मार्टफोन का एग्जांपल लेंगे इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कि मार्केट में सौ स्मार्टफोन अवेलेबल हैं सौ स्मार्टफोन है और सौ लोग उसे खरीदने वाले हैं यानी जितना प्रोडक्ट है उतने लोग ख़रीदने वाले हैं इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया यानी इक्विलिब्रियम पे आ गए जितने लोग खरीदने वाले हैं और जितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं इस केस को कहते हैं इक्विलिब्रियम लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि स्मार्टफोन कल के डेट में सौ की जगह दो सौ आ गया मार्केट में और ख़रीदने वाले सौ ही हैं यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो गया लेकिन डिमांड उतना ही है तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा सप्लाई है स्मार्टफोन ज़्यादा है तो लोग अपने कंपटीशन में प्राइस को कम करेंगे ताकि वो बिक जाए फिर एक और तरफ हम देखें कि लोग सौ हैं और कल के डेट में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कम हो गया किसी कारण पचासी स्मार्टफोन है और ख़रीदने वाले सौ लोग हैं इसका मतलब हुआ सप्लाई कम हो गया और डिमांड ज़्यादा है सौ लोग खरीदने वाले हैं पचास स्मार्टफोन है तो इस केस में प्राइस क्या होगा बढ़ेगा कि लोग बढ़ा चढ़ा के इसको बेचेंगे क्योंकि खरीदना तो है ही है सौ लोगों को और पचास स्मार्टफोन ही है तो रोड लोग क्या करेंगे रेट को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है तो ये एक साधारण लैंग्वेज में मार्केट इक्विलिब्रियम का है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझते हैं हम ये क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके प्राइस के बढ़ने घटने से मतलब अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड क्या बढ़ रहा है या घट रहा है इस चीज के रिलेशन को दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल का इंडिया में मान लो आज के डेट में सौ रुपये पेट्रोल है कल के डेट में यही एक सौ पाँच हो गया तो शॉर्ट टर्म में हम अपने मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज नहीं करेंगे अगर हम बाइक आज चला रहे हैं सौ रुपये पेट्रोल पे कल के डेट में एक सौ पाँच हो गया तो कल भी हम शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं करेंगे कल भी हम बाइक ही चलाएँगे ऑफिस जाएंगे बाइक से लेकिन यही पेट्रोल के दाम अगर इंक्रीज होता रहा डे बाई डे तो हम अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करेंगे मेट्रो से या किसी और तरीके से जाएंगे लॉन्ग टर्म में हम ये सोचेंगे जाने के लिए तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो पेट्रोल है और पेट्रोल की जो डिमांड है वो यहाँ पे ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग टर्म में चेंज कर दी है तो यहां पर क्या हो जाता है द डिमांड ऑफ पेट्रोल बिकम मोर इलास्टिक इन दिस केस सो ये है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ये बहुत सिंपल कंसेप्ट इसको देखते हैं प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन वो होता है कि हम इनपुट से आउटपुट तैयार करते हैं इनपुट क्या है रॉ मटेरियल लेबर कैपिटल से हम गुड्स से सर्विसेज बनाते हैं दूसरे शब्दों में रबर स्टील प्लास्टिक और बाकी रॉ मटेरियल्स को जोड़कर हम कार बनाते हैं रबर स्टील प्लास्टिक ये हो गया इनपुट हो गया और कार्ड जो बना है वो आउटपुट हो गया ये है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उस प्रोड्यूस करने में कॉस्टिंग लगती है उसका उसका एक खर्च होता है उसका खर्च का एक मॉनेटरी टर्म्स होता है उसको कहते हैं कॉस्ट इफिशियंसी क्या है इफिशियंसी है कि, कि किसी चीज को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन के लिए मीन्स इनपुट को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल स्टील रबर प्लास्टिक को कैसे हम यूज़ करते हैं एक कार को बनाने में और इस इफिशेंसी में एक और चीज़ आता है वो है कि हम कितने अच्छे से वेस्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं मतलब जो नुकसान है उसको कम कर पाते हैं उसे ही हम इफिशेंसी कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट मार्केट इनपुट मार्केट क्या है इनपुट मार्केट कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जैसे कि लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेशली इंडिया में लेबर मार्केट लेबर मार्केट इनपुट मार्केट का एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं वो लेबर के जो सर्विसेज हैं उसको लेते हैं और उसके बदले में उनको वेज देते हैं सैलरी देते हैं और वर्कर बदले में अपना काम को करते हैं अपने स्किल को दिखाते हैं और टाइम देते हैं वो काम में तो लेबर मार्केट एक एग्जाम्पल है इनपुट मार्केट का आउटपुट मार्केट आउटपुट मार्केट उसे कहते हैं जहां पे फिनिश गुड्स यानी जब गुड्स बनकर तैयार हो गए गुड्स या सर्विसेस उनको खरीदे या बेचे जाते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल है, uh, है स्मार्टफोन का स्मार्टफोन एक बार तैयार हो गया फिनिश गुड्स हो गया बन गया उसके बाद वो पब्लिक में जाती को है पब्लिक उसको खरीदती है पब्लिक पैसे देती है कंपनी को और बदले में पब्लिक को मिलती है कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेट कर पाती है स्मार्टफोन से सो स्मार्टफोन एक फिनिश गुड से और एक एग्जांपल है आउटपुट मार्केट का इनपुट मार्केट में हमने देखा था कि लेबर एक एग्जांपल है इनपुट मार्केट का सो ये था

इकोनॉमी में ये बताया जाता है कि आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है लिमिटेड रिसोर्स में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑल्टरनेटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शुरू में कि आपके पास फाइव हंड्रेड रुपीज़ है या तो आप उसमें मूवी देखेंगे या एक या पिज़्ज़ा खाएंगे मूवी आएगी आपका तीन सौ रुपये में पिज़्ज़ा आएगा साढ़े तीन सौ रुपये में दोनों आप कर नहीं सकते उसमें से एक ऑल्टरनेटिव आपको चुनना पड़ेगा ऑफ रिसोर्स में के टाइम में आपको लेने पड़ते हैं यही इकॉनमी में चॉइस कहलाता है क्या है प्रेफरेंस एक इंडिविजुअल लाइक like या डिसलाइक है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए फॉर एग्जांपल एक फोन है तो फोन में कुछ लोगों का चॉइस ये होता है कि उन्हें कैमरा अच्छा चाहिए होता है कुछ लोगों का चॉइस ये होता है कि उन्हें बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए होती है तो फोन को चूज़ करने के लिए अलग अलग उनके प्रेफरेंसेस होते हैं तो यही है इकोनॉमी में प्रेफरेंस का मतलब यूटिलिटी जब किसी गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बिरयानी या वेजिटेबल में अगर कोई चॉइस हो तो बंदे ने अगर बिरयानी चूज़ किया है तो बिरयानी खा के जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही एक यूटिलिटी है उसको हाई यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी बिरयानी वेजिटेबल के मुकाबले में सोटिलि so, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव है टू वैरी करती है पब्लिक गुड्स टाइप्स ऑफ गुड्स में पब्लिक गुड्स सबसे पहले आता है पब्लिक गुड्स क्या होता है पब्लिक गुड्स आर थिंग्स डेट एवरी वन कैन यूज एंड वन पर्सन यूज डज नॉट रेड्यूज देर अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स दिज गु आर ऑफन प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट बिकॉज इट कैन बी चैलेंजिंग टू चार्ज इंडिविजुअल फॉर their यूज पब्लिक गुड उसे कहते हैं कि हर कोई इसको यूज कर सकता है अगर एक बंदा यूज कर रहा है तो, तो दूसरे के लिए वो कम नहीं होती है जैसे स्ट्रीट लाइटिंग स्ट्रीट लाइटिंग को हर पब्लिक यूज करती है लेकिन पब्लिक यूज करती है अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई हर कोई यूज कर सकता है और सामान्य रूप से यूज कर सकता है वो है पब्लिक गुड्स मेरिट गुड्स मेरिट गुड्स क्या होता है मेरिट वो होता है जिसे अच्छा माना जाता है यानी कि गवर्नमेंट उसको इनकरेज करती है कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा कंजम्पन करें एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन एक मेरिट गुड है क्योंकि जब एक बंदा एजुकेटेड होता है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं संवरती है पूरी सोसाइटी की जिंदगी संवरने में हेल्प करता है ये So, क्योंकि इसके थ्रू स्किल आता है नॉलेज आता है और बाकी लोगों में ये चीजें फैलती है तो पब्लिक एजुकेशन एक मेरिट गुड्स माना जाता है डिमेरिट गुड्स डिमेरिट्स गुड्स क्या होता है ये वो गुड्स होते हैं जिसे अच्छा नहीं माना जाता है पब्लिक के लिए या पब्लिक के हेल्थ के लिए सोसाइटी के लिए इसलिए गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करती है फॉर एग्जाम्पल टोबैको टोबैको एक डिमेरिट गुड्स है इंडिया में और बाकी जगह भी है क्योंकि इससे क्या होता है कि नुकसान होता है हेल्थ को नुकसान होता है इंडिविजुअल को नुकसान होता है और सोसाइटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है तो गवर्नमेंट इसको कैसे कैसे इसको रोकना चाहती है या कैसे इसको कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है और रेगुलेशन लगाती है ताकि इसके यूज को स्मोकिंग के यूज को डिसक्रेज किया जाए तो ये था डिमेरिट गुड्स नॉर्मल गुड्स क्या है ये है कि demand increase होती है है। होती किसी product के लिए जब consumer का income बढ़ता है. उसी तरीका से किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है जब कंज्यूमर का इनकम गिर जाता है एग्जांपल के तौर पे मूवी टिकट जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है इंटरटेनमेंट के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा मूवी देखने जाते हैं तो ये एक नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल है इनफीरियर गुड्स इनफीरियर गुड्स क्या होता है गुड्स वो होता है कि गुड्स का डिमांड इंक्रीज़ होता है जब कंज्यूमर का इनकम फॉल होता है दूसरे शब्दों में समझे जब लोगों का इनकम डिक्रीज होता है यानी घटता है तो इनफीरियर गुड्स की चाहत बढ़ती है यानी उसका यूज बढ़ता है एग्जाम्पल के तौर पर ओला उबर और बस यहाँ पे जो बस है वो इंफीरियर गुड है जब इनकम ठीक ठाक है तो हम ओला उबर यूज करते हैं जब इनकम डाउन हो जाती है हमारी तो हम बस पे ज्यादा चढ़ते हैं तो बस यहाँ पे इंफेरियर गुड्स से इसी ध्यान में रहे कि इंफेरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो लो क्वालिटी है इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब इनकम जब डाउन होता है तो ऑल्टरनेटिव गुड्स की तरफ जिसका दाम कम होता है उस पर लोग जाते हैं इनफीरियर गुड्स लग्जरी गुड्स लग्जरी गुड्स क्या होता है लग्जरी गुड्स वो होता है जब लोगों के इनकम बढ़ते हैं तो वो लग्जरी गुड्स या हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट आइटम को ज्यादा खरीदते हैं एग्जाम्पल के तौर पर डिजाइनर क्लोथिंग हाई एंड वॉचेस लग्जरी कार्स को लोग ज्यादा खरीदते हैं जब उनका इनकम इंक्रीज होता है उस उसपे स्पेंडिंग लोग ज्यादा करते हैं तो ये है लग्जरी गुड्स गुड्स गिफेंगस गुड्स गिफें ये दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है जब उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है दिस इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ डिमांड ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए जैसे कि राइस है राइस इंडिया में एक स्टेपल फूड अगर किसी को दिन में राइस चावल खाना है तो दिन में चावल ही खाएगा वो रोटी नहीं खाएगा या कोई और ग्रेन नहीं खाएगा अगर चावल का दाम बढ़ भी जाता है तो फिर भी उसका डिमांड बढ़ेगा कम नहीं होगा क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है चावल का अगर दिन में मुझे चावल खाना है तो चावल ही खाऊंगा इसलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है टिफिन फूड्स का राइस जहाँ पे अगर प्राइस का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा डिमांड कम नहीं होगा गुड्स एंड मार्केट इंटरक्शन वॉट इज कम्प्लीमेंट गुड्स कंप्लीमेंट गुड्स वो होता है जो किसी प्रोडक्ट के साथ में यूज किया जाता है एक प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं एक रिलेशनशिप के थ्रू समझते हैं स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा प्लान अगर हम स्मार्टफोन ले रहे हैं तो साथ में मोबाइल डेटा प्लान भी लेते हैं क्योंकि ये मोबाइल डेटा प्लान और स्मार्टफोन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि दोनों के साथ ही हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं एप्स अच्छा को चला पाते हैं या कॉल को कर पाते हैं सो यह है कंप्लीमेंट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स क्या है ये वो गुड्स है जो एक प्रोडक्ट के जगह हम दूसरा प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं। एक प्रोडक्ट का अगर दाम बढ़ गया तो उसके जगह पे हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है टी कॉफी का टी का अगर दाम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो कॉफी उसके जगह पे लोग प्रिफर करेंगे ये बेस्ट एग्जांपल है सब्सिट्यूट गुड्स का नाउ लेट सी वट इज न्यूट्रल गुड्स न्यूट्रल गुड्स वो गुड्स है जिसके कंजम्पशन से मतलब एक प्रोडक्ट को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ना ही उसके डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा एग्जांपल के तौर पे क्लोथिंग कपड़ा और ग्रोसरीज अगर कपड़ा हम नहीं खरीद रहे हैं या कपड़ा का डिमांड नहीं है इसका तो उसका ग्रॉसरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so, कपड़ा और ग्रोसरीज दोनों अलग अलग हैं तो so, ये है न्यूट्रल गुड्स के एग्जाम्पल है मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज नाउ लेट्स सी व्हाट इज मार्केट फेलियर मार्केट फेलियर तब होता है जब मार्केट को यूं ही छोड़ दिया जाता है यानी कि बिना कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है जिसकी वजह से जो रिसोर्स है वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं हो पाते हैं सही से गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं और इस सोसाइटी के लिए उस मार्केट का कोई फ़ायदा नहीं होता इस बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके लिए जैसे कि कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा सही से नहीं है एक एग्जांपल है ये दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं मार्केट फेलियर का एयर पोल्यूशन एक सबसे बेटर एग्जांपल है जो इंडिया में बहुत बड़ा इशू है इंडियन इस्पेशल इंडियन सिटीज़ में इंडस्ट्रीज और व्हीकल एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और इसका कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होता है इस नेगेटिव एक्स्टर्नलिटीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है पब्लिक के लिए और पब्लिक की हेल्थ के लिए जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है अस्थमा होती है तो क्या कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि भाई हमने पॉल्यूशन फैलाया था हमारे वजह से अस्थमा हुआ है इसका हम कंपनसेट करेंगे नहीं होता है तो फ्री मार्केट में इन सब चीज़ों के लिए जगह जनरली नहीं होती इसके वजह से ये मार्केट फेलियर होती है और ये पॉल्यूशन का कॉस्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते हैं और आखिर में ये होता है कि ओवर एलोकेशन करते हैं अपने रिसोर्स को ओवर एलोकेट करते हैं यानी जो जो चीज़ें पोलूशन ज़्यादा फैलाती हैं उसको वो बढ़ावा देती हैं इसलिए बढ़ावा देती हैं कि शायद उसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से फिक्स नहीं की गई है एयर पोल्यूशन के लिए तो ये एग्जाम्पल है एक मार्केट फेलियर एक्सटर्नलिटीज एक्सटर्नलिटीज क्या है ये एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट है या कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन लोगों पे जिन्होंने उस प्रोडक्ट को चूज नहीं किया है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है एक्सटर्नलिटी का निगेटिव इफेक्ट भी होता है एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में फार्मर्स पेस्टिसाइड यूज करते हैं एग्रीकल्चर में और जब वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे उसका बेनिफिट ये होता है कि क्रॉप्स के लिए फायदेमंद होता है वो लेकिन साथ में उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है और एक इकोसिस्टम को वो नुकसान पहुंचाता है सो so, इसका कॉस्ट पेस्टिसाइड में ऐड नहीं होता इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो कम्युनिटी है उस वाटर को यूज करती है उनको नुकसान होता है सो so, ये दिखाती है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है जहाँ जहां, जहां नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वहां वहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि मार्केट फेलियर को एड्रेस किया जाए

साधारण लैंग्वेज में समझते हैं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को चुना अगर दो प्रोडक्ट के बीच में आपको चूज करना है कि एक ले या दूसरा ले अगर एक को चुना है आपने जो दूसरा छोड़ा है आपने वो है आप उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो दूसरा को आपने छोड़ा है दूसरे को फॉरगोन किया है उसको कहते हैं फॉरगोन एग्जाम्पल लेते हैं स्मार्टफोन से जो मैं एग्जाम्पल लिया था शुरू में स्मार्टफोन का एग्जाम्पल फिर लेते हैं अगर आपके पास बीस हजार रुपए है उसमें आपको दो ख्वाहिशें हैं आपकी एक स्मार्टफोन लेना है और आपको हिल स्टेशन भी जाना है घूमने के लिए कहीं पे और बीस हजार में ही आएगा हिल स्टेशन भी आएगा और स्मार्टफोन भी आएगा हिल स्टेशन कुछ दिनों के लिए जाना चाहते हैं आप तो दो ख्वाहिशें हैं आपकी लेकिन बीस हजार में एक ही चीज हो पाएगा तो आपने चुना है स्मार्टफोन और ख्वाहिश जो हिल स्टेशन की थी जाने की वो ख्वाहिश ख्वाहिश में रह गया हज़ारों ख्वाहिशें इसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले तो आपका हिल स्टेशन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके पास बीस हजार रुपये ही हैं जो हिल स्टेशन आप जा नहीं पाए वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए है कि आप अगर जाते तो आपने आपने जो वहाँ का फन इन्जॉयमेंट पहाड़ी जो रीजन का एक एक फील होता है वो आपने मिस किया डेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने फॉरगोन किया आपने स्मार्टफोन ले लिया लेकिन छोड़ा क्या है वो आनंद छोड़ा है वो खुशी छोड़ी है जो आपको हिल स्टेशन जाकर मिलता है तो हिल स्टेशन ना जाना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि गवर्नमेंट बिजनेस इंडिविजुअल इसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं जैसे गवर्नमेंट ने हाईवे बनाना है उसको अब उसके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्स में या तो हाईवे बनाए वो या वो मान लीजिए एजुकेशन पे या हेल्थ पे वो खर्च करे अगर वो हाईवे बनाता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एजुकेशन है हेल्थ है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन पे खर्च वो कर सकता था तो ये हेल्प करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट ये जानने में कि क्या हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव है और क्या हमको चूज करना है और क्या उसी लिमिटेड रिसोर्स में किसको छोड़ना है नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर प्रिवियस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं रियल स्टेट की बात नहीं कर रहे स्टेटमेंट वन फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स स्टेटमेंट टू टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स स्टेटमेंट थ्री a commercial bank lending money to a trading company statement 4 a corporate body issuing rupee denominated bond overseas which of the options are correct let's see option a 1 and 2 only option b 2 3 2 3 and 4 only option c 1 3 and 4 only option d 1 2 3 एंड फोर सो हेर द आंसर इज ऑप्शन एट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट थ्री एंड फोर आर रॉन्ग वाई थ्री एंड फोर स्टेटमेंट आर रॉन्ग आई एल जन यू हमने अभी पढ़ा है कि रियल सेक्टर होता क्या है रियल सेक्टर वो पार्ट होता है इकोनॉमी का जहां पे प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है सेल होता है टेंजिबल गुड्स का और सर्विसेज का इसमें एक्टिविटीज जो होते हैं फिजिकल और नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी को दिखाता है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर माइनिंग कंस्ट्रक्शन और सिमिलर इंडस्ट्रीज को दिखाता है इसलिए स्टेटमेंट टू वन और टू करेक्ट है क्यों क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर आता है इसमें माइनिंग आता है इसमें कंस्ट्रक्शन आता है दूसरा टेक्सटाइल मिल है टेक्सटाइल मिल भी करेक्ट है क्योंकि ये टेंजिबल है टेंजेबल उसे कहते हैं टेंजेबल गुड्स है क्योंकि टेंजेबल गुड्स उसे कहते हैं जिससे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं थ्री और फोर इसलिए रॉन्ग है क्योंकि रियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर से अलग है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है कि, कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है एक फ्लो ऑफ मनी होती है जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट थ्री में दिया हुआ है कि कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी यहां पे पैसे के लेन देन की बात चल रही है जो के रियल स्टे, रियल सेक्टर में नहीं होता है ऑप्शन स्टेटमेंट फोर में भी है कॉर्पोरेट बॉडी डिनोमिनेटेड की बात की जा रही है लेन देन की बात की जा रही है तो ये दोनों स्टेटमेंट थ्री फोर जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है इसलिए रियल सेक्टर का पार्ट नहीं है डेट इज द रीजन ऑप्शन ए इज करेक्ट इट मीनस स्टेटमेंट वन और टू राइट है क्वेश्चन टू If a commodity is provided free to the public by the government, then option A the opportunity cost is zero, option B the opportunity cost is ignored, option C the opportunity cost is transferred from the consumer of product to the tax paying public, option D the opportunity cost is transferred from the consumer of product to the government. Here, the answer is D. That is, the opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the government. Why? Let's see. When a government provides a commodity free to the public, it implies that the government is covering the cost of producing and delivering that commodity. This cost is funded through taxes collected from the public. So, the opportunity cost is not zero or ignored. Why? Because the opportunity cost is actually transferred from consumer and um, means those receiving the free commodity to the government. The resource and funds used to provide free commodity could have been used for other projects or services, that might have benefited public in a different way so in simple language if we see if the government is spending money to provide something for free that means money could have been used somewhere for different public goods or services therefore the opportunity, opportunity cost is transferred from the consumer of free commodity to the government. That is the reason option D is correct. Let's see the third question. It appeared in 2013. A rise in general level of prices may be caused by statement 1 an increase in the money supply, statement 2 a decrease in the aggregate level of output, statement 3 an increase in the effective demand. So options are option A, one only, option B, one and two only, option C, two and three only option d 1 2 and 3 here the answer is option d that is 1 2 and 3 statements are correct why let's see statement 1 says an increase in money supply when money supply will be increased it will lead to the increase in liquidity in the market and liquidity leads to rise in price means inflation statement 2 says the a decrease in aggregate level of output when output or production will be less, then there will be more and more crisis of supply. When there will be crisis of supply, it will lead to rise in price. Example onion. When there is less onion in the market, it leads to the price rise. Statement three it says that an increase in the effective demand. When there will be more demand for a particular goods, then obviously the price will increase. किसी भी प्रोडक्ट का, का ज्यादा डिमांड बढ़ने लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा शेयर मार्केट में में प्राइस बढ़ता है जब उसको ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं किसी शेयर को तो अगर डिमांड बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है डेट इज द रीजन स्टेटमेंट डे इज करेक्ट इट मीन स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री राइट यू हैव सीन माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स So macroeconomics examines the broader aspect of an economy considering factors like GDP unemployment inflation fiscal policies international trade it delves into the overall performance structure behavior and decision making of an entire economy providing a holistic view of an economic activity so माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ सवालों के जवाब ढूंढती है जैसे कि इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है रिसेशन के क्या कारण हैं, क्यों इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहे हैं और किस तरीके से फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बिग पिक्चर को देखती है अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल और फॉर्म लेवल पर देखती है सो so, यह है कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का की माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अंडर दिस सी द जीडीपी पी इन्फ्लेशन ऑल दिस थ्री थिंग्स विल बी कवर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास इसी तरीके से हम देखेंगे गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी ये सब एक डिफरेंट और सेपरेट चैप्टर में हम कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ साथ में हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड भी जिसमें आता है ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेड एग्रीमेंट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये सब सेपरेट चैप्टर में कवर किए जाएंगे यहाँ पे दिखाने का ये परपज़ है कि आपको बताया जाए कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए जाते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन the microeconomics encompasses two primary research areas that significantly contribute to the field the first is factors influencing long term economic growth and the second one is analyzing the causes and repercussions of short term fluctuation in national income and employment which is also referred to as business cycle business cycle in economics बिजनेस साइकिल एक रोलर कोस्टर की तरह होता है इकोनॉमिक में जिससे हर एक देश को नेशन को गुजरना होता है इसमें अप्स आते हैं डाउन्स आते हैं और ये साइकिल रिपीट होते हैं ओवर द टाइम सो आइए हम एक एक करके समझते हैं बिजनेस साइकिल में के एक्सपेंशन क्या है पीक क्या है कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ट्रफ क्या है एक्सपेंशन इमेजिन कंट्री इज डूइंग वेल एंड एवरी थिंग इज ऑन राइस बिजनेस आर ग्रोइंग पीपल आर गेटिंग जॉब्स एंड एवरी वन इज जनरली है इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं एक्सपेंशन को के एक्सपेंशन के फेज में ये सेक्टर जैसे मैनुफेक्चरिंग हो गए वो बूम कर सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं इसमें एक्सपेंशन में और बाकी इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखने को मिलते हैं एक्सपेंशन के फेज में peak, में पीक पीक बिजनेस सबसे पॉइंट होता है इसका मतलब यह होता है कि सब कुछ टॉप पे चल रहा होता है प्रोडक्शन लेवल टॉप पे होता है एम्प्लॉयमेंट रेट टॉप पे होता है जब सब कुछ टॉप पे चले जब सब कुछ बेस्ट हो रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बेस्ट होता रहेगा इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में ये डाउन जाएगा यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा उसके नीचे ही जाएगा आगे तो सबसे बेस्ट होना ये इंडिकेट करता है कि आगे में डाउन टर्न या इकॉनमी स्लो होने वाली है इसे कहते हैं पीक एक्सपेंशन पीक के बाद अगला जो फेज आता है वो है रिसेशन रिसेशन वो होता है कि सबसे जब टॉप पे पहुंचती है इकॉनमी प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट में उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होती है उसे कहते हैं रिसेशन रिसेशन जब स्टार्ट होता है तो इकोनॉमी स्लो होना चालू हो जाता है लोगों के पास जॉब नहीं होते बिजनेस स्ट्रगल करती है कि कैसे हम हम आगे काम को बढ़ाएं रिसेशन में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है लोग खर्च भी कम करते हैं जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन को, को कट कर देती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस फेज में बहुत हाई हो सकता है डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन रिसेशन रिसेशन का नेक्स्ट लेवल है। है, जब लंबे समय तक रहता है, तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन स्पेंडिंग का बुरा हालत होता है और ये बहुत ही डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच जाता है इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है पहला बिजनेस पे बिजनेस अपने जो उनका काम है या तो उसको क्लोज कर देते हैं या उसको बहुत श्रिंक कर देते हैं छोटे लेवल पे ले आते हैं इंडिविजुअल लोग लो, फिनेंशियल डिफिकल्टी फेस करते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं होते रेगुलर इनकम उनके पास नहीं होता है इनकम कम हो जाता है तो इस हालत में गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स रेवेन्यू को कम कर देती है और स्टिमुलस पैकेज लाती है जिसमें वो इकॉनमी को ग्रो करने के लिए पैसे इकॉनमी में डालती है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके डिप्रेशन के बाद आता है ट्रफ ट्रफ पीक का अपोजिट कंडीशन है पीक में क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट सबसे हाई बिजनेस का प्रोडक्शन सबसे हाई लेकिन ट्रफ में उल्टा है प्रोडक्शन लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जो है लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाता है अनएलॉयमेंट बढ़ जाता है इसमें सो so, जब ये कंडीशन शो हो जाए कि सब कुछ लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है ये इंडिकेट करता है कि अब रिकवरी आने वाला है इकोनमी रिकवर करने वाला है यानी इतना नीचे इससे नीचे नहीं जा सकता इसके ऊपर ही जाएगा तो वो कंडीशन वो कहते हैं ट्रफ नेक्स्ट फेज है रिकवरी जो क्या आता है ट्रफ के बाद रिकवरी में क्या होता है जैसे कि कोविड पीरियड में था सब कुछ डाउन चला गया था बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट सब कुछ डाउन था धीरे धीरे इकॉनमी ने रिकवर चालू किया तो जब इकॉनॉमी रिकवर होती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है बिजनेस नए नए स्ट्रैटेजीज लाने चालू कर देते हैं तो रिकवरी यानी धीरे धीरे जो बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है तो ये फेज होता है इन इक्वालिटी मेजरमेंट लोरेंस कर्स इज अग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन इट कम शेयर ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट द क्यूलेटिव शेयर ऑफ इनकम दे रिव एग्जाम्पल समझते हैं मान लीजिए किसी देश में सिर्फ दस लोग हैं हेपोथेटिकली हम मानते हैं और उनके इनकम को हम लोवेस्ट टू हाइस्ट बैठाते हैं जैसे किसी कोई हजार अर्न करता है कोई पांच हेयर करता है कोई दस हेयर करता है इस तरीके से लोएस्ट टू हाईएस्ट हम देखते जब लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम कोई अर्न करेगा दस लोगों में दसों दस लोग तो कब एग्जैक्टली इस तरीके से देखेगा लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है लेकिन दस के दस पॉपुलेशन में दसों लोग अगर इनका इनकम सेम रहेगा तो ये लॉरेंस कप क्या होगा स्ट्रेट हो जाएगा स्ट्रेट मीन फोर्टी फाइव डिग्री ये शो करेगा लेकिन इन इक्वालिटी के वजह से इनक्वालिटी इनकम की वजह से ये लोडेंस कब एक ये शो कर रही है गिनी कोईफिशन, गिनी क्या दिखाता है ये दिखाता है कि किस हद तक इनकम इनक्वालिटी है किसी देश में एक्सटेंट ऑफ इनकम इनक्वालिटी दिखाता है और गिनी रेंज करता है जीरो से वन जहां पे जीरो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी यानी सब तरफ इक्वालिटी है और वन रिप्रेजेंट करती है है परफेक्ट इनइक्वालिटी सो ये है गिनी कोएफिशिएंट ट्रेड ऑफ एंड कोजनेट कर्व व्हाट इज ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ इज द सैक्रिफाइस ऑफ वन ऑप्शन और गोल इन फेवर ऑफ अनदर इसमें कुछ पाने के लिए कुछ खोने को कहते हैं ट्रेड ऑफ यानी कुछ अगर हमें हासिल करना है तो कुछ आपको खोना पड़ेगा इसी को ट्रेड ऑफ कहा जाता है कि अगर हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होता है तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम पा लेते हैं लेकिन होता क्या है खोता है हमारा इन्वामेंट इन्वायरमेंट का लॉस होता है डिक्रेट करती है और पोल्यूशन होता है इस तरीके से इकोलॉजिकल डैमेज होती है दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वामेंटल रेगुलेशन लगा देते हैं तो इकॉनमी ग्रोथ तो स्लो हो जाती है और साथ में इन्वायमेंटल कंडीशन बेटर हो जाते हैं सो so, दोनों केसेस में एक अगर हम पा रहे हैं तो दूसरा खो रहा है तो ये ट्रेड ऑफ इट इज अ अग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेट सजेस्ट दैट इन द दर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम इन इक्वालिटी टेन टू इंक्रीज बट एज अ कंट्री डेवलप फर्दर इनकम इन इक्वालिटी इवेंचुअली डिक्रीजेस मतलब ये हुआ कि इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा वैसे ही इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज होगा इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगा कारण क्या है अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लोग लो अर्बनाइजेशन के वजह से जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं जो गरीब है वो गरीब होता जाता है लेकिन एक लेवल के बाद जब प्रोग्रेस हासिल कर लेती है एक कंट्री तो ये इनकम इनक्वालिटी कम होना चालू हो जाता है सो so, यह है एग्जाम्पल कुट का थैंक यू If you like our video, please like, share and subscribe.